क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहला पार्ट दिया गया है 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री इक्वल टू 1। हमें 1 प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड से हमें क्या राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड हमारे क्या 1 के बराबर प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब हमारे इसमें क्या है, चार फंक्शन है। चार फंक्शन में हम क्या करते हैं, किसी एक दो को चेंज कर लेते हैं, पहले और दूसरे को हम चेंज कर लेते हैं। तो 10 90 डिग्री में से मैं ऐसा क्या माइनस कर दें, 48 डिग्री बचे, तो 90 डिग्री में से हम 42 डिग्री अगर माइनस करेंगे तो ये 10 48 डिग्री ही बचेगा। 10 20 डिग्री में ऐसा हम क्या चेंज कर लें, तो 10 23 डिग्री में हम क्या करेंगे, 90 में से क्या घटा लेंगे, 67 डिग्री हम माइनस कर लेंगे। अगर 10 90 डिग्री में से 67 घटाएंगे तो ये क्या बचेगा, 10 23 ही डिग्री बचेगा। पहले दूसरे में 10 48 डिग्री को और 10 23 डिग्री को हमने यहां पर चेंज कर लिया है, और लास्ट वाले दो हमने फंक्शन को एज इट इज लिख देना है, 10 42 डिग्री और इंटू 10 67 डिग्री। ठीक है, अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, थीटा की जगह पर 42 डिग्री। इसी तरीके से यहां पर लिखेंगे कॉट 67 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। कॉट का एक फॉर्मूला होता है 1/10 थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 42 डिग्री, तो 10 42 डिग्री इंटू कॉट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, 10 थीटा होता है, तो 1/10 थीटा होता है, 1/10 थीटा की जगह पर 67 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। 10 67 डिग्री ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से ये 10 42 डिग्री और ये 10 42 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरा निकल क्या आएगा, 1। तो ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड मेरी निकल के आ गई। यही प्रूफ करना था।